हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। इसमें देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। ओके, तो यहाँ एक कार्ड आ गया है हमारे पास, हमने ले लिया है द सोर्स। एंड बाकी सारे कार्ड्स जब तक मैं निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोड़ी साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, और बाकी सारे कार्ड्स आए हैं, द मास्टर, सेलिब्रेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है ट्रस्ट। तो यहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, हमारे पास ट्रस्ट निकल कर आई है। तो ऐसा लगता है यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से या तो आप दोनों के इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर ट्रस्ट ना होने की वजह से शायद आपका पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा। और अगर आपकी बात करी जाए तो हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप स्टक होकर रह गया है और इसमें मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। तो आप शायद अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं या आपका पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, ये तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और बाकी सारी बातों की बात अगर हम करें ना कि आपका पर्सन इस वक्त किससे और क्या बातें कर रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, तो फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो ये पर्सन आपके साथ में कुछ पल सेलिब्रेट करना चाहता है, कुछ अच्छे पल बनाना चाहता है, कुछ यादगार लम्हे बनाना चाहता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ने जो एक साथ कुछ वक्त गुजारा है एक दूसरे के साथ में, आपका पर्सन इस वक्त उन पलों को याद कर रहा है और अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें कर रहा है कि यहाँ पर शायद आप या तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आपका पर्सन ही आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा। और उसकी मेन वजह ट्रस्ट हो सकती है कि ट्रस्ट इशूज़ जो हैं आप दोनों के दरमियान, इसलिए ये रिलेशनशिप ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक चला नहीं पाए आप दोनों ही, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। बाकी यहाँ पर दसन की एनर्जी है, द सोर्स है हमारे पास, तो इस रिलेशनशिप में बहुत सारी होप्स हैं, बहुत अच्छा जा सकता है ये रिलेशनशिप, बहुत अच्छा रहने वाला है इन फ्यूचर, मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। और आपका पर्सन इस वक्त अपने फ्रेंड से इसके बारे में बात कर रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी के मास्टर बनना चाहते हैं, कुछ अधूरी इच्छाएं हैं इस पर्सन की जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिसके रहते शायद इस पर्सन को आपका साथ इस वक्त नहीं चाहिए। तो यहाँ ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर आपसे दूरी बना रहा है, आप दोनों के बीच प्यार होने के बावजूद भी ये डिस्टेंस बना हुआ है, तो इस पर्सन को बहुत कुछ बड़ा करना है अपने जीवन में, तब ये रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे और किसी को कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे और इन्हें अपनी ज़िंदगी का मास्टर बनना है। तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखना चाहते हैं। आपकी इनकी लव स्टोरी अभी अगर कुछ टाइम से ना स्टक हो गई है, आगे बढ़ नहीं पा रही है, तो इस पर्सन की खुद की थिंकिंग की वजह से ही है, क्योंकि ये पर्सन ना जो कुछ चाहता है उसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। आपसे प्यार भले ही करता हो, इसकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन और ट्रू हों, बट फिर भी ये इस रिलेशनशिप को अभी इस वक्त और आगे तक नहीं ले जाना चाहता है, ये ऐसा अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।